हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बैंक में युवती के बैग से नकदी पार करने वाली महिलाओं को सिरोही से ले आई पुलिस। कोतवाली पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर पाली से पकड़कर ले आई सिरोही। गत 16 जुलाई को ही वारदात से बैंक परिसर में उड़ गए थे लोगों के होश। सिरोही के SBI बैंक में गत 16 जुलाई को 1 लाख रुपए की नकदी जमा कराने गई शहर की एक युवती को चकमा देकर अज्ञात बदमाशों ने उसकी पॉली बैंक में छीना लगाकर 50,000 रुपए का एक बंडल उड़ा लेने की वारदात में शामिल तीनों आरोपी महिलाओं को कोतवाली पुलिस बुधवार को प्रोडक्शन वारंट पर पाली से सिरोही ले आई। सिरोही लाने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपी महिलाओं से की गहन पूछताछ के दौरान तीनों महिलाएं टूट गईं और तीनों ने गत 16 जुलाई को वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। इसके साथ ही इस वारदात का पर्दाफाश हो गया। गौरतलब है कि यही गैंग सिरोही के साथ शिवगंज, तख्तागढ़ और पाली में भी वारदात को अंजाम दे चुकी है। पाली पुलिस ने आरोपी महिलाओं को समीपवर्ती गुजरात में मंदिरों की नगरी अंबाजी से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी महिलाएं रुखसाना लक्ष्मी देवी और अर्चना कुमारी सासी राजगढ़ मध्य प्रदेश की निवासी हैं। पुलिस आ गई थी अपने पास और पेशेवर थी तीनों मुजरिम, उनको आज हम प्रोडक्शन वाले पर लेके आए हैं। तीनों का नाम रुखसाना है, लक्ष्मी है और अर्चना। ये इन्होंने यहाँ अपने सिरोही, पाली और जालौर के अंदर इन्होंने कई वारदातें करी हुई है और वारदातों का तरीका सेम ही है। बैंक के अंदर ये टारगेट करते हैं एक बंदी को जिसके पास 1,50,000 रुपये हो और उसके बैग में या उनकी थैली में पैसे दो, उस पर कट लगा के पैसे लेके तुरंत ये आ जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और बड़े ही पेशेवर तरीके से वारदात करते हैं और जिसके साथ वारदात करते हैं उनको पता नहीं चलता कि क्या हुआ। जब वो पैसे निकालते हैं तब उनको पता चलता है कि ऐसी वारदात हो गई। तो आज हम उसको तीनों को लेके आ गए हैं अपना नाम किसी ने। सर, इनकी पूछताछ में कोई और अन्य राज्य खुलेंगे? बिल्कुल, ये जिस तरह से इनके जो कार्रवाई करने का तरीका है तो तीन तो अभी इनकी खुल गई और गुजरात में या फिर थानों में कहा है तो अन्य मैसेज किया है। तो ये घंटे दो घंटे में मौलिक समाचार मिली है और कितनी बार जाते हैं। सिरोही से जागरूक टीवी के लिए भवानी सिंह की रिपोर्ट।